बड़ी खबर, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी। आपको बता दें कि 581 परीक्षा केंद्रों पर आज परीक्षा आयोजित हो रही है। 17,60,000 अभ्यर्थी परीक्षा में होंगे शामिल। दो पारियों में आयोजित हो रही है परीक्षा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा आज 581 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि दो पारियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सत्रह लाख साठ हजार अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छह, सात और आठ नवंबर को पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पूरे प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था के माकूल इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा का हिस्सा बनेंगे। 581 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संवाददाता दीपक चावला फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, आज पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है प्रदेश भर में, क्योंकि बड़ी परीक्षा है, कोरोना काल के बीच इस परीक्षा को किया जा रहा है, तो प्रशासन के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण ये होने वाला है। किस तरह के इंतजाम पूरे प्रदेश भर में किए गए हैं ताकि जो अभ्यर्थी है उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो? बिल्कुल आयुषी, कोरोना में कह सकते हो कि एक बड़ा एग्जाम है, क्योंकि 38 की पोस्ट है टोटल, जिसके अंदर करीब 17,60,000 अभ्यर्थी भाग लेने वाले हैं। 581 प्रदेश भर में जो सेंटर है वो बनाए गए हैं। दो पारियों में एग्जाम होगा, एक सुबह 9 से 11 और एक 3 से 5। तमाम तैयारियां वो राजस्थान पुलिस ने कर ली है, क्योंकि एग्जाम जो है वो राजस्थान पुलिस खुद करवा रहा है। राजस्थान पुलिस में जो कांस्टेबल भर्ती का पूरा ये मामला है, लंबे समय से इस परीक्षा की जो है मांग की जा रही थी। 2019 में इसके फॉर्म भरवा दिए गए थे, लेकिन अब एक साल बीत चुका है, अब जाकर इसका एग्जाम हो रहा है। पुलिस के लिए काफी अपनी साख की वजह ये मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी एक पुलिस का एग्जाम हुआ था, जिसके अंदर एक नकल गिरोह सक्रिय हो गया था, उसने पेपर में चीटिंग करवाई थी, और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो ये नहीं चाहते कि इस एग्जाम में भी जो है चीटिंग हो या किसी तरह से पेपर लीक हो। इसको देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। ATS, SOG और तमाम जो जिला पुलिस, IG पुलिस है, उनको निर्देश दिए है DGP ML लाठर ने, कहा है कि अपने अपने इलाकों में जो है नजरें बनाए रखे, जो इस तरह का ग्रोह है, जो पहले से इस तरह के मामले में इन्वॉल्व रहा है या गिरफ्तार हो चुका है, उनको पहले से ही एक बार हिरासत में लिया जाए। और तो कह सकते हो कि पेपर में चीटिंग ना हो, कोई नकल में खलन ना पड़े, इसको लेकर पुलिस ने तैयारियां कर ली है। इसके अलावा कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सुबह 9 बजे ये एग्जाम है वो शुरू होगा, तो एक से दो घंटे पहले ही आने के लिए कहा गया था। बकायदा मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है, इसके अलावा ब्लू और बॉल पेन लेके जा सकते हैं। और अगर किसी को कोरोना के कुछ लक्षण है, जैसे कि खांसी, जुकाम या बुखार, तो उनके लिए एक अलग से आइसोलेशन रूम बनाया गया है, वो वहां पर बैठ के अपनी परीक्षा दे सकता है। इसी तरह से महिला जो अभ्यर्थी, उनके लिए भी अलग से एक व्यवस्था की गई है। तो कह सकते हो कि 9 बज चुके हैं, अभी जो पहली पारी का एग्जाम है वो शुरू हो चुका है। सेंटरों के बाहर काफी ज्यादा भीड़ जरूर देखी गई थी, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है, 17,50,000 अभ्यर्थी एक साथ बैठे हैं, तो संभवतः जो है भीड़ तो होनी है, लेकिन फिर भी पुलिस वहां पर मौजूद थी। चेकिंग यहां पर अभियान है वो भी चलाया गया है, और गोला यहां पर मांड के रखा गया है, ताकि उस गोले में उस अभ्यर्थी खड़ा रह सके, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो पूरी तरह से हो चुके। तो आयुषी, बिल्कुल कह सकते हो कि पूरी पुख्ता इंतजाम है। अब 3 दिन ये परीक्षा चलेगी, 6, 7 और 8 नवंबर को, दो अलग अलग पारियों में। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पुलिस मुस्तैद रहे और अभ्यर्थी अपना शांतिपूर्ण तरीके से जो एग्जाम है वो दो जल्द इसका रिजल्ट आए, ताकि राजस्थान पुलिस में नफरी है वो और अधिक बढ़ सके। जी आयुषी जी,
दीपक, क्योंकि देखिए परीक्षा के लिए कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करना भी यहाँ पर बहुत जरूरी है और प्रशासन के सामने ये चुनौती भी है, क्योंकि हर बार की तरह कहीं इस बार भी ऐसे मामले सामने ना आए, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि नकल कराने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। तो प्रशासन के लिए ये भी यहाँ पर चुनौती है कि नकल विहीन इस परीक्षा को कहीं ना कहीं बनाया जाए। किस प्रकार से जो केंद्र हैं उनके बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ चेकिंग वहाँ पर की जा रही है, अभ्यर्थियों की जो प्रशासन है वो किस प्रकार से चेकिंग कर रहा है कोरोना को देखते हुए और नकल विहीन इस परीक्षा को बनाने को देखते हुए? बिल्कुल आयुषी, आपने ठीक कहा कि नकल को रोकना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। मैंने कहा कि परीक्षा जो है वो खुद राजस्थान पुलिस को आयोजन करवा रहा है, और अगर इसी एग्जाम में चीटिंग हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पुलिस की साख जो है वो खराब हो सकती है। इसीलिए जो DGP है और ADP जो भर्ती है, उन्होंने तमाम जो थाना अधिकारी है और तमाम जो RPS है, IPS है, इनको भी ड्यूटी पर लगाया है। इससे पहले तमाम एग्जाम होते हैं उसमें संभव से जो है पुलिस सिपाही या सब इंस्पेक्टर या ASI ड्यूटी पर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरे अधिकारियों को पाए कि आप फील्ड में रहो और सभी निगाहें वो बनाए रखो। चेकिंग की बात कर ले तो चेकिंग में देखा पहले ऐसा कम देखा जाता है कि मेटल डिटेक्टर जो है पुलिसकर्मियों के हाथ में दिखाई दिया है, वो उसे चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह से ब्लूटूथ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो अंदर ले जाना पूरी तरह से मना है, और उसको लेकर कई बार जो है अभ्यर्थी कुछ ऐसी जगह छिपा कर ले जाता है, उसको लेकर ही मेंटल डिटेक्टर है वो मंगाया गया और उसकी चेकिंग की जा रही है। तो कह सकते हो कि चेकिंग को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और अभी तक ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई। हालांकि करीब 3 से 4 दिन पहले जयपुर के विराटनगर इलाके में ही एक गिरोह ऐसा पकड़ा था जो कि इस पेपर को आउट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इसे पकड़ लिया है। तो क्या सकते हो कि पेपर आउट होने से बच चुका है, लेकिन फिर भी वो जयपुर ग्रामीण का मामला था, विराटनगर का। राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थान में ऐसे कई सारे गिरोह सक्रिय हैं जो कि इस तरह की हरकतें कर सकते हैं और कह सकते हो कि लाखों अभ्यर्थियों का जो है फ्यूचर भविष्य खराब कर सकते हैं। इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। DGP ML आठर ने कल ही ज्वाइन किया है। ज्वाइन करते उन्होंने कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि ये जो एग्जाम है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। हम अच्छा दीपक, अगर कोरोना अगर कोई पॉजिटिव पाया गया हो अभ्यर्थी कुछ दिनों पहले ही, तो क्या उनके लिए किसी प्रकार के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? बिल्कुल आयुषी, हमने ठीक कहा। अगर जैसे कि अगर किसी अभ्यर्थी को अभी 2 दिन या 3 दिन पहले इसको कोरोना है, तो कोरोना जाहिर बात है कि 2-3 दिन में नहीं जाता है, 7 दिन या 14 दिन लगाता है, तो उसके लिए एक अलग से रूम की जो है वो व्यवस्था की गई है। उसका एक अलग से सेपरेट रूम है, वो बकायदा जो है अपनी PPE की पहन कर जाएगा और वहाँ पर जो भी एग्जामिनर होगा, जो टीचर होता है, वो भी PPE किट पहन कर रखेगा और उसके लिए अलग से एक रूम, एक आइसोलेशन वाला रूम रहेगा। तो ये विशेष इंतजाम कोरोना में की गई है, और साथ ही इसके साथ अगर कोई कोरोना के किसी को हल्का भी लक्षण है या कोरोना पॉजिटिव है तो वो एक घोषणा पत्र है, स्वघोषणा पत्र जो कि एडमिट कार्ड में आया है वो उसको भर कर लेकर आएगा। उसमें अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है तो वो नहीं भरेगा, और अगर किसी को है तो वो उसको टिक लगाएगा और उसके लिए अलग से लाइन होगी और उसके लिए अलग से रूम की व्यवस्था होगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक चावला तमाम जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का आज आयोजन किया जा रहा है। 17 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तमाम प्रशासन की तरफ से माकूल इंतजाम फिलहाल परीक्षा को कराने के लिए किए गए हैं।